पकड़ लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये देखें जी सारे पिजन हमारे माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। सनी भाई इनको डाइट दो यार, यहाँ पे रखी है मैंने ये वाली कटोरी के अंदर, इनको दाना डालो यार जल्दी से, बेचारे भूखे हैं सुबह से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और यार वेलकम है जी आप लोगों का हमारी नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों गिनी फॉक्स को यार बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा यार, ये देखें इनके ना असल में हमने पर काट दिए थे ताकि ये यहाँ से उड़ के किसी के घर में ना जाए, तो इसी वजह से इनको ना उड़ के बाहर आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सनी ने ये देखें खोल दिया हुआ है, आ जाओ सारे आ जाओ, ये देखें माशाल्लाह और ही अपनी डाइट के पास चली गई हैं ताकि इनको ना खाना खाने के लिए मिले। चलो जल्दी करो इनको दाना डालो, ये देखें जी हमारे सनी यार, मुझे हमेशा इनका नाम भूल जाता है, इनका नाम पता नहीं क्या रखा है, चुन्नू मुन्नू, ये चुन्नू है और ये मुन्नू है यार। इनकी तो ऑक्सीजन ही नहीं चल रही सनी, ऑक्सीजन हमने बंद कर दी थी वो क्यों, नहीं लगता यार उस करंट से कैसे लगेगा। ये देखो यहाँ पे लटका दी हुई है इसने इसकी वायर, ये रुको मैं चला के आता हूँ, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ये देखो चल गया, कितनी प्यारी लग रही है यार हमारी फिशेस। दोस्तों आप ये दोनों डब्बे देख रहे हैं ना, इसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा सरप्राइज है सनी भाई, तुम्हारे लिए खास तौर पे सरप्राइज है। इसमें क्या बताओ तुम क्या हो सकता है, कोई बर्ड है इसके अंदर, तो एक के अंदर तो तुम्हें पता ना कि इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर है जी हमारे लवबर्ड के टेम वाले पीसीस, हमारे पास दो बच्चे आए थे लवबर्ड के, हमने उनको टेम कर लिया था, ये देखें इसके अंदर तो है जी हमारे शैगी और स्कूबी, आवाजें आ रही है ना, ये कितनी ज्यादा आवाजें आ रही है। तो इसके अंदर गैस करो कि इसके अंदर क्या हो सकता है, कोई बर्ड है, हाँ इसके अंदर कोई बर्ड है, बताओ क्या हो सकता है जल्दी बताओ, कॉकटेल का बेबी, हाँ कॉकटेल का बेबी, ये देखो कितना प्यारा है यार छोटा सा, इसको दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये कितना प्यारा है यार, अभी छोटा सा है सनी, इसको ये जब बड़ा होगा ना तब हमने इनको इसको ना टेम करना और फ्लाई पे लगाना है, यानी कि कहीं पे भी बैठा होगा ना हम इसको आवाज देंगे ये फौरन हमारे पास उड़ के आएगा। इसको फिलहाल ना बंद कर देते हैं, पहले ये दिखा दे हमारे व्यूवर्स के, ये देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारा है, कितना प्यारा है, अभी छोटा है, हाँ अभी छोटा है, इसको ना फिलहाल अंदर रखते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, इसको बंद कर दें फिलहाल, इसको यहाँ पे रखते हैं शैगी स्कूबी, और ये देखें जी हमारे, चलिए इसको यहाँ पे खोलता हूँ, ठीक है दूर रख के खोलते हैं और देखते हैं हमारे पास कितनी देर में आएंगे, ठीक है ये देखो अब, ओ आ जाओ भाई यहाँ पर, पकड़ लिया दूसरा काम भी है, यार सनी भाई ये काम करो पहले, शैगी को ना या वो डब्बे के अंदर रख के आओ जल्दी करो, देखना ये भी ना उड़ जाए, यार इधर वाली साइड पे गया है, पता नहीं कहाँ गया यार, हमें वैसे ख्याल रखना चाहिए था कि ये कहीं उड़ ना जाए, वही काम हुआ। तो यार नीचे जाके देख स्कूबी उड़ गया, हाँ सनी ध्यान से गिरना जाना यार नीचे उतरो, दोस्तों बड़ी मुश्किल से पकड़ा है यार, शुक्र है भाई मिल गया यार, मेरा तो ना कसम से जोर जोर से दिल धड़कने लग गया था कि कहीं ये गुम ना हो जाए, हम पीछे नहर वाली साइड पे ना सारी तरफ देख के आए नहीं मिला, हम ऊपर आए हैं फिर भी नहीं मिला, वो आके मैंने देखा ना इस छत के ऊपर बैठा हुआ था, तो मैंने जल्दी से स्कूबी शैगी को बाहर निकाला है और सांस बहुत ज़्यादा चढ़ गया यार, शैगी को निकाल के ना स्कूबी को दिखाया, तो ये फिर ये यानी कि ना स्कूबी यहाँ से उड़ के मेरे पास आया, यार कसम से मैं तो डर गया था, ऊपर लेके आना भाई, इनको ऊपर नहीं लेके ना, इनको ना बॉक्स के अंदर बंद करते हैं और नीचे लेके जाते हैं, ठीक है इधर आओ जल्दी, इसके अंदर बंद करो पहले इसको, चलो अंदर,
दोस्तों अब नीचे जाएंगे ना तो इन दोनों को उठा के नीचे ले जाके ना हमने कमरे के अंदर बंद कर देना यार, आज इन्होंने बहुत ज्यादा डरा दिया था। तो यार मैं जा रहा हूँ मास्टर केज के अंदर और यार फिलहाल इसको उतारना पड़ेगा क्योंकि रास्ता यहाँ पे है और यहाँ से यानी कि तार गुजर रही है। तो फिलहाल इसको उतार देता हूँ और जाके अंदर ना मास्टर केज वाले बर्ड्स को देखते हैं। उनको सुबह से सनी भाई ने दाना पानी पता नहीं डाला कि नहीं डाला, नहीं डाला कोई हाल ही और कोई काम नहीं करता आजकल ये ना यार। हालांकि आज इसको संडे थी और छुट्टी भी थी लेकिन फिर भी इसने कोई काम नहीं किया आज। नहीं डाला ये देखो यहाँ पे भी पानी नहीं है इसके अंदर, ला के पानी डाल जल्दी जाओ पानी लेके आओ। और दोस्तों मैं चेक करने वाला हूँ कि हमारा जो एक पीस रह गया था ना लबड़ का उसने अंडों का कैसे यानी कि ख्याल रखा है। ये देख लेते हैं अगर ठंडे हैं, ठंडे हो गए पड़े हैं यार, ये भी ठंडा हो गया, ये भी ये भी ये भी पांचों के पांचों अंडे यार ठंडे हुए पड़े। देखो क्या हुआ, डब मरी हुई है। ओए ये कैसे मर गई है, ओ यार रोजाना एक नुकसान हो रहा है। ओए देखो वो जिसकी टूटी हुई थी ना वही वाली मरी है। ये देखो कल यार हमारा लवबर्ड का एक पीस एक्सपायर हो गया है और आज हमारी डब यार एक्सपायर हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है यार। ओए 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 सनी इसको नीचे लेके जाओ और ले जाके ना मट्टी के अंदर दफना के आओ यार इसे, जल्दी जाओ। तो दोस्तों मैं ये सारे अंडे आज जाया करने वाला हूँ क्योंकि ये सारे ठंडे हुए पड़े हैं। अगर ये फीमेल ना इसका ख्याल रख लेती इन अंडों का तो फिर हमने इनको पड़े रहने देना था और यानी कि ना साथ इसके लागे कोई मेल नहीं छोड़ना था। अब क्योंकि ये अंडे ठंडे हो गए हैं तो इनको यानी कि ना यहाँ पे रखने का कोई फायदा नहीं है। तो आज हम इंशाल्लाह ना इसके साथ लाके एक नया वाला मेल छोड़ेंगे ताकि इनका पेयर दोबारा कंप्लीट हो और ये दोबारा अंडे दें यार नए वाले। फिलहाल ये वाले तो खराब हो गए। सर ये काम करें वैसे क्या इनमें से एक अंडा लेके ना ऑस्ट्रेलियन पैरट के नीचे रख के देखते हैं। हाँ एक यार उसे जुगाड़ लगाते हैं, एक रख लेते हैं, क्या ख्याल है। बच्चा निकल भी आया ना, निकल तो आएगा ही की वजह से हम ना दोस्तों उसको हैंड फीड पे उठा लेंगे। तो फिलहाल ना इनमें से देखते हैं किसके अंदर अभी तक बच्चा नहीं बना हुआ तो उस वाले को उठा के ले ना इसके नीचे रखते हैं। ये तुम पकड़ो मैं चेक करता हूँ। ठीक है चेक करो। इसके अंदर बिल्कुल नहीं बना हुआ, इसके अंदर भी बिल्कुल नहीं बना हुआ, इसके अंदर थोड़ा सा बना हुआ है, इसके अंदर भी नहीं बना हुआ। ऐसा करो ये दोनों अंडे हैं ना इन दोनों को हम रख देते हैं ऑस्ट्रेलियन पैरट के। हाँ जी ऐसे करते हैं। पीछे इसको चेक करें शायद निकल ही आए। हाँ निकल आएंगे, जरूर निकल आएंगे। एक हो गया, दूसरे वाला अब रखता हूँ। सनी यार उम्मीद है कि ये ना इसको संभाल लेगी। हाँ जी निकल ही आएंगे। हाँ ठीक हो गया। डब को दबाया नहीं अभी? नहीं ये तो अंदर पर ही है। जा यार जल्दी से इसको जाकर दबा के आ। और ये देखें जी कबूतर भी इसने खोल दिए थे। मैंने यार इसको मना भी किया था कि आज कबूतरों को ना खोले लेकिन फिर भी इस पागल ने ये देखें कबूतरों को खोल दिया। हालांकि इतनी ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, खुद इसने इतना मोटा खिला देते नहीं, मुर्गे ने नहीं खानी यार तू पागल है, जा नीचे जाके इसको दबा के आ। खुद इसने देखे कितना मोटा स्वेटर पहना हुआ है और बेचारे कबूतरों को खोल दिया सर्दी में। चलो इनको थोड़ी देर बाद ना हम बंद कर देंगे। और हमारा ये देखे माशाल्लाह चंदा कितना प्यारा लग रहा है यार, आजकल ये बेचारा बहुत ज्यादा उदास है। हालांकि यार हमने ना इसको गिव अवे पे लगाया था यानी जिस भाई को चाहिए वो आके फ्री में ले जाए लेकिन फिर भी यार किसी को हमारा चंदा पसंद ही नहीं आया, कोई आके इसको लेकर नहीं गया। तो फिलहाल ये यहीं पर है और सनी को मैंने बोला था कि एक फीमेल ला के छोड़ देते हैं इसके साथ लेकिन यार वो नहीं माना, वो कह रहा कि ना हमने पूरा वाइट वाला जोड़ा लेना है और पहले इसको देंगे फिर हम पूरा वाइट वाला जोड़ा लेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।